इसमें मेरे भाई लोग, मैं हूं आपका भाई दोस्त एडवाइजर सैयद जैन। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। इट इज़ डे 31 और मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया हूं भाई लोग। जैसे कि आप देख रहे हो, बॉडी इज़ चेंजिंग ड्रास्टिकली, इट्स लुकिंग नाइस। जो लोगों को पता नहीं है, मैंने 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिया था एंड अभी तक मैंने बहुत तगड़ा प्रोग्रेस किया। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल 12 को शुरू किया था। 30 डेज अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है भाई लोग। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मसल विजिबिलिटी हैज़ इम्प्रूव ड्रास्टिकली। ये मसल दिख रहा है एंड एब्स भी थोड़े बाहर पॉप हो रहे हैं एंड चेस्ट और चेस्ट में भी थोड़ा डिटेलिंग आ रही है एंड ऑन एन ओवरऑल बेसिस बॉडी अच्छी बन रही है भाई लोग। सो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर इसमें बैक दिख रहा है, बैक में भी बढ़िया प्रोग्रेस दिखा है। 30 डेज में अप्रैल 12 से मई 12 तक मैंने क्या क्या किया भाई लोग। नंबर वन, मैं वेइंग स्केल मैंने देखना बंद कर दिया है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज अराउंड 89.8, लगभग 90 किलो था मैं। अभी आई एम हावरिंग अराउंड 88.4 kgs। तो इन दरमियान, इन 30 डेज में, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने बस 1 kg कुछ 200 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली लूज़ किया है। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द वेट। मैं वेइंग स्केल पे क्यों फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ बॉडी रिकॉम्पोजिशन। तो मेरा गोल, प्राइमरी गोल ये है कि मैं जितना सारा मसल रिटेन कर सकता हूँ उतना रिटेन करूँ एंड इन दैट मसल रिटेनिंग फेज मैं वेट लॉस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव माई मसल। तो मैं ड्रास्टिक कैलरी डेफिसिट में नहीं जा रहा हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न मेरा वेट भी बहुत स्लो जा रहा है और मेरा मसल क्वालिटी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रिटेन एज मच एज मसल एज पॉसिबल। कि जब भी मैं ज़्यादा कैलरी डेफिसिट में जाता हूँ, मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मेरा मसल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, वेट भी डाउन होता है, उसके साथ मसल और फैट दोनों एक साथ उड़ जाते हैं भाई लोग। सो दैट इज़ द मिस्टेक आई हैव मेड ओवर द ईयर्स। बॉडी रिकॉम कर रहे हो, आपको ध्यान में रखना है कि आप ज़्यादा अग्रेसिव कैलरी डेफिसिट नहीं करना है। तो मैं अराउंड 2400 से 2600 कैलरीज में हवर कर रहा हूँ। सप्लीमेंट वाइज ऑल द एसेंशियल्स, D3, फिश ऑयल, डैंडेलियन रूट, लिव क्लेंस, अश्वगंधा, डेरेमे और फैट बर्नर, मसल ब्लेस का बायोजाम श्रेड यूज़ कर रहा था मैं। नेक्स्ट 60 डेज यू विल सी मोर चेंजेस, वेट भी शायद ड्रॉप होगा। सो माई गोल हियर इज़ टू गो टू एटलीस्ट, मेरे यूजली आई बी एट 86 या 85 kgs। उस पर मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मसल मैं रिटेन करना चाहता हूँ बिकॉज दैट विल बी अ स्टेडी वेट और मैं ज़्यादा सूखा और दुबला नहीं दिखना चाहता। आई ट्राई टू कीप मोर मसल एंड आई ट्राई टू लूज मोर फैट। सो दैट इज़ द गोल। तो इसीलिए वेट ड्रॉप पे मत फोकस करिए, जस्ट ट्राई फोकसिंग ऑन वेट ट्रेनिंग एंड गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो वेट ट्रेनिंग के हिसाब से 5 days a week, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, लेग्स, आर्म्स, तो ये हिसाब से मैं वर्कआउट करता हूँ एंड एक पूरा दिन मैं ऐप्स के लिए देता हूँ बिकॉज आई लव वर्किंग आउट फॉर ऐप्स। एंड रोज़ कार्डियो मैं अराउंड 20 to 25 minutes इंक्लाइन ट्रेडमिल पे 4 speed रख के, 10 इंक्लाइन रख के मैं चल रहा हूँ अभी। आई एम नॉट गोइंग टू अग्रेसिव। अभी month 2 शुरू हुआ है, month 2 and 3 इज़ गोना बी रियली अग्रेसिव बॉयज। तो ऑलवेज बिफोर आई हिट द जिम मैं 2 scoop वे प्रोटीन लेके जाता हूँ एंड करेंटली आई एम यूजिंग मसल ब्लेस का बायोजैम परफॉर्मेंस वे। प्रोजेक्ट में अगर आप लोग कम हो तो यू कैन टेक दिस, थोड़े बहुत रिजल्ट तो देता है बट आई नो इट्स नॉट एज गुड एज द आइसोलेट, पर हाँ चल जाता है भाई लोग, यू कैन जस्ट मैनेज विद दिस राइट। इसके 2 scoops विल हेल्प यू रिकवर प्रीटी सून आफ्टर द वर्कआउट। इमीडिएटली एम्प्टी स्टमक करने के बाद जब वर्कआउट ख़त्म होता है एट द जिम मैं ये पीता हूँ। माय मॉम इज़ काइंड एनफ टू पुट 2 scoops हियर, शी ऑलवेज डज। बिना मॉम के कुछ काम नहीं होता, तो थैंक्स टू हर, कूडोस टू हर। एंड इट वॉज मदर्स डे यस्टरडे, तो नेवर लेट, हैप्पी मदर्स डे मॉमी। 2 scoop whey protein, yes, all set, let's hit the gym. Alrighty भाई लोग, वर्कआउट के बाद मैंने 2 scoop whey protein पिए। Now this is a long grain olive oil cooked biryani, इसके साथ करीब 150 to 200 grams of chicken और 1, 2, 3, 4, 5
5 एग वाइट्स खा रहा हूँ। राइस इज अराउंड 200-250 ग्राम्स राइस है। मैं फिर से ये सेम मील रात को रिपीट करूँगा टू हिट माई मैक्रोस, बट अगेन राइस थोड़ा 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 कम कर रहा हूँ मैं। टिपिकली आई यूज टू ईट लाइक 300 ग्राम्स इन वन सिटिंग, बट अभी आई एम गोना हैव जस्ट लाइक 250-275 ग्राम्स। ये बॉडी रिकॉम्प अच्छा करना है तो दैट इज द रीजन, राइट? यू कैन ईट ऑल द टेस्टी फूड्स इन इंटरमीडियंट फास्टिंग, क्योंकि मैं सुबह से ऑलमोस्ट 16 आवर्स फास्ट करके वे प्रोटीन पी के 1 आवर गैप दे के आई एम हैविंग दिस। So I have earned this meal, guys. So you can eat this and you can enjoy one good meal. So that's the best part about intermittent fasting. Alrighty, bhai log. तो जैसे कि आप देख रहे हो, must enjoy करो. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खाने में restriction देना है. You can eat all the good foods, जैसे कि biryani, जैसे कि अगर आपको chocolate पसंद है. Everything that matters here is calories in versus calories out. आप इंश्योर करो कि जितना भी आप खा रहे हो, जो भी फूड हो, वो आप अपने कैलरी रेंज में खाइए एंड डू नॉट गो ओवरबोर्ड ऑन द कैलरीज। बस जब जंक खाते हो ये ध्यान में रखो कि आपके कैलरीज के रेंज में ये सब है। मेरा डे यूजली लेट शुरू होता है भाई लोग, मैं रात को काम करता हूँ और मेरा दिन ही यूजली 2 PM या 3 PM से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं लेट उठता हूँ, तो इसीलिए मेरा मील्स थोड़े लेट रहते हैं। तो द लास्ट मील दैट यू सॉ वाज अराउंड 9 PM जो बिरयानी का खाया मैंने। फिर से मैंने एक छोटा सा मील खाया व्हिच वाज प्रीटी सिमिलर। तो ये सब होने के बाद इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1 o'clock राइट नाउ। अभी मैं मेरा दिन रैप कर रहा हूँ एंड आज का व्लॉग भी मैं बहुत मीडियम रख रहा हूँ, वर्कआउट नहीं डाला इसमें मैंने, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन मेरा रिकॉम्प कैसा चल रहा है। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग इट। एंड खाना खाने के हिसाब से मैं ऑलवेज यही बोल रहा हूँ कि आप इन्जॉय करो, मस्त खाओ, मस्त पियो। कंपोजिशन या कटिंग इतनी मुश्किल नहीं है, आपके फूड्स को इन्जॉय करो, बस इंश्योर ये करो कि आपके कैलोरीज आपको ट्रैक करें। ज़्यादा ओवरबोर्ड मत खाइए, जितना आपके कैलोरी रेंज में है उतना खाइए भाई लोग, उससे ज़्यादा कभी भी मत खाइए। ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप फ्लेक्सिबल खाते हो, आप ज़्यादा खा लेते हो एंड यू विल गो हायर ऑन द कैलोरीज। बस ये ध्यान में रखना है कि प्रोटीन हाई रखना है, प्रोटीन 180-200 ग्राम आपके बॉडी वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए मेटाबॉलिक BMI कैलकुलेटर में। बट अगेन प्रोटीन हाई रखिए, कार्ब्स और फैट्स मिनिमल रखिए, बट ओवरऑल 2500 कैलोरीज जो भी आपका कैलोरी रेंज है वो कैलोरी रेंज में रखिए बॉयज। यू विल बी वेरी गुड एंड यू विल स्टिल लूज फैट और बिल्ड मसल, एंड दैट्स द स्ट्रैटेजी। सिंपल मंत्रा, कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, बस ये फॉलो कीजिए, 90 डेज करिए एंड यू विल सी अ बॉडी ट्रांसफॉर्मिंग। नेक्स्ट व्लॉग में मैं थोड़ा लंबा व्लॉग रखूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई लोग। व्यूअर्स देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आई ट्राई टू ब्रिंग इन मोर वीडियोज। अंटिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, आई विल सी यू गाइस प्रीटी सून।